देश की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शान से तिरंगा लहराया गया। बता दें कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए देखते हैं पूर्णिया में स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक झलक। प्रयोग का शत प्रतिशत संपादन का पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। वर्षा पात के आंकड़ों का संग्रहण करने ही सभी पंचायतों में प्रचारित वर्षा मापक यंत्र स्थापित किया गया है। किया जा चुका नगर निगम अंतर्गत राजीव आवास योजना के तहत 2185 लाभों में से 1600 रूप से दो टोली बिहार गृह रक्षा वाहिनी ग्रेड वन जिसका कमान राजेंद्र प्रसाद यादव जी संभाल रहे थे तृतीय स्थान, और संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला है जिला सशस्त्र बल पुरुष जिसका कमान संभाल रहे थे हवलदार हरीश चंद्र। और मुख्य अतिथि का संबोधन अपर पुलिस बालक जी कंपनी पुरुष बल हवलदार विद्या कुमार देखेगा। सर दिवस का शुभकामना देता हूँ। इस पावन अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों का अभिनंदन करते हुए उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके बलिदान से आज ही के दिन वर्ष 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम सभी इस वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह सर्वविदित है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के समक्ष बड़ी बड़ी समस्याएं थी, खासकर यहाँ का पिछड़ापन और शिक्षा हमारे वांछित विकास में बाधक बनकर विराजमान थी। आधारभूत एवं औद्योगिक संरचना के पूर्णता अभाव में वास्तविक विकास की परिकल्पना अत्यधिक कठिन हो रही थी, लेकिन हमारे और आपके परिश्रम एवं समन्वय का प्रतिफल है कि आज हमारे देश ने विश्व के सबसे बड़े और सफल लोकतंत्र के रूप में विश्व मानचित्र पर प्रतिस्थापित होने का गौरव प्राप्त किया है। राज्य के कुशल नेतृत्व एवं विकसित बिहार के लिए दृढ़ संकल्पित राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम आपके सामने है। पूर्णिया जिला के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य योजना के तहत विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके क्रम में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त रूप से आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। मानव संसाधन का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। इस क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा कई तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के 2,06,168 छात्रा को 12,94,23,600 रूपए का मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना